वेरी इंपॉर्टेंट, करंट लाइबिलिटीज। अब ध्यान से देखना, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक होती है करंट लाइबिलिटीज। याद तो करना ही है, ऑप्शन नहीं है, तो याद करने के तरीके थोड़े बहुत जहां जहां पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसके भी चार सब हेड, इसके भी चार सब हेड। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स। ठीक है जी, अब एक एक करके बात करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 साल के अंदर अंदर पेबल है जो अमाउंट, 1 साल के अंदर अंदर है पेबल अमाउंट। तो एक तो हो गया लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब आपने कोई लोन बोरो किया हुआ है, रीपेबल ऑन डिमांड, जब तो बोलेगा तेरे को पैसे वापस कर देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म में ही आएगा हमेशा, क्योंकि कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। मैंने आपसे लोन बोरो किया हुआ है, इंटरेस्ट देता रहूंगा, जब आपको चाहिए आप बता देना, आपस की अंडरस्टैंडिंग है, 15 दिन का नोटिस दे देना, कुछ भी। तो इनको बोलते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड, शो का करते हैं करंट लाइबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी, करंट मेच्योरिटीज, तो ये इंपॉर्टेंट आइटम है काफी, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, की लॉन्ग टर्म डेट होने के बाद भी वो करंट में आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब टाइम कम बचा है। लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस अगेन नेचर टू बी स्पेसिफाइड, कि भैया वो बताएंगे, उन्होंने तो अदर लोन्स एंड एडवांसेस तो वहां पे भी आया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो नेचर टू बी स्पेसिफाइड मतलब वो बताएंगे लोन बोरो किया है या दिया है, कितने पीरियड के लिए, तो बताएंगे लोन बोरो किया है, पे करने के लिए अभी आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है, तो वही सेम चीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगी, लोन बोरो किया है, पे करने के लिए टाइम 1 साल से कम है, तो वही चीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगी। पब्लिक डिपॉजिट्स लिखा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं, सिर्फ डिपॉजिट्स लिखा है उसको हम करंट लाइबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं। अभी आगे जाके एक और डिपॉजिट्स आएंगे, डिपॉजिट्स तो मेरे बैंक डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ी बहुत एक दो एम्बिगुअस चीजें आएंगी, तो उसमें हमें अब सिर्फ डिपॉजिट्स लिखा है, अरे भैया कौन से डिपॉजिट, जो लोगों ने हमारे पास कर रखे हैं या जो हमने बैंक में कर रखे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, आएगा अभी करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में डिपॉजिट के नाम से आ रहा होगा, तो सेम आइटम एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ तो पब्लिक डिपॉजिट्स है तो कोई डाउट ही नहीं है, पब्लिक डिपॉजिट्स ऑलवेज नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिर्फ डिपॉजिट्स लिखा है तो अजम्पशन लेनी पड़े, उन्होंने नहीं बताया कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, बता दिया तो बात ही खत्म हो गई, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी है, डेबिट बैलेंस एसेट है, नहीं बताया तो हमें नोट देना पड़ेगा कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, कोई डाउट? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के आपको सारे आइटम्स याद होने चाहिए, सबके याद होने चाहिए, जो जो है ना, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको ये सब बता दूंगा, करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब आता तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है, ठीक है ना, क्या करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बट कह रहे कि एक होता है कि जो हमने बोरो ही शॉर्ट टर्म के लिए किया था, एक होता है कि बोरो तो लॉन्ग टर्म के लिए किया था, अब टाइम कम बचा है, तो वो अब करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर? इससे तो कुछ नहीं बताना चाहिए, जितनी बात है सिंपल सी बात है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लोन बोरो किया था, उसमें से टाइम खत्म हो चुका है, 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं, करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बस इतना सा पता होना चाहिए, और शो कहाँ करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ट्रेड पेबल्स सिंपल, दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो ही कॉम्पोनेंट है, अगर सिर्फ ट्रेड पेबल्स लिखा है, सिर्फ क्रेडिटर्स लिखा है, सिर्फ बिल्स पेबल लिखा है, तो वो करेंट लाइबिलिटीज ही मानी जाएंगी। ट्रेड पेबल पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, वो नॉन करेंट में आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, अदरवाइज ट्रेड पेबल्स करेंट लाइबिलिटीज में आएंगे, करेंट लाइबिलिटीज में आएंगे। कोई डाउट? इजी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ
सर अभी तो आपने बोला सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्यों, इसमें है 8-10 आइटम्स, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट मेजर हेड करेंट लाइबिलिटीज, पहला हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर हो गया ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू दोनों ही कहां आ रहे हैं, करेंट लाइबिलिटीज में, अदर करेंट लाइबिलिटीज में। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, अकाउंटिंग वाइज तो कोई टेंशन ही नहीं, एग्जाम में आया कहां पे दिखाना है, कह रहे करेंट लाइबिलिटीज में, अदर करेंट लाइबिलिटीज में, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बताओ कहां आएगा, कह रहे वो भी वही आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू भी वही आएगा। तो अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा कि बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है, करेंट लाइबिलिटीज में, अदर करेंट लाइबिलिटीज में, मतलब क्या होता है कोई बता सकता है? ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, मैंने लोन बोरो करा 1 जुलाई को, मैंने लोन बोरो करा 1 जुलाई 2022 को, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, 1 जुलाई 2022 को मैंने लोन बोरो किया था, अब पहला कब पे होगा इंटरेस्ट, 1 जुलाई 2023 या 30 जून, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 23 पहले बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च को, सुनने पे ध्यान देंगे, 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज हुई तो क्या इंटरेस्ट ड्यू था, इंटरेस्ट तो ड्यू है 1 जुलाई को, इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली, तो 1 जुलाई 2022 को अगर आपने लोन बोरो किया है तो 1 जुलाई 2023 को ही या 30 जून 2023 को ही एक साल खत्म होता है, तब इंटरेस्ट पेबल है। तो आई रिपीट द क्वेश्चन, 31 मार्च को क्या इंटरेस्ट ड्यू था, नहीं था, कब ड्यू है 30 जून को, 3 महीने बचे हैं अभी, बट अक्रूअल बेसिस के हिसाब से 9 मंथ्स तो हो चुके हैं, 9 मंथ का तो इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, अक्रूअल बेसिस क्या कहते हैं कि भाई साहब 12 महीने ओके, बचपन में या पिछले जन्म में एक चैप्टर किया था डेथ, डेथ पे बनाया था लोन अकाउंट, चाहे इंस्टॉलमेंट पे होती थी बाद में, तो पहले बुक्स क्लोज होती थी तो तब तक का इंटरेस्ट अक्रू हो जाता था, पे करते थे क्या, नहीं बस कैलकुलेट करते थे, तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, तो 9 महीने हो चुके हैं तो उतना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है बट अभी ड्यू डेट नहीं आई, तो भी भाई साहब अक्रू तो हो चुका है, कहां शो करेंगे, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। अब आपने लोन बोरो किया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को, तो इंटरेस्ट पेबल है ईयरली, 31 मार्च 2023 को इंटरेस्ट पे था, ड्यू था, 31 मार्च को हमने बैलेंस शीट बनाई तो क्या इंटरेस्ट ड्यू है, अगर पे नहीं हुआ तो अक्रूड भी है और ड्यू भी है, तो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, मतलब ड्यू डेट भी आ चुकी है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, कुछ मंथ निकल चुके हैं बट अभी ड्यू डेट नहीं आई है, क्लियर है पक्का, ये बता, मीनिंग आपके कॉन्फिडेंस के लिए होता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग में तो ये यूजलेस आइटम है, वाई, क्योंकि दोनों सिनारियों में वो करेंट लाइबिलिटीज में, अदर करेंट लाइबिलिटीज में आ रहा है, बट मीनिंग ही तो डिफ्रेंशिएट करेगा कुछ बच्चों को, कि उनको मतलब पता है कि ये है क्या, मीनिंग पूछेंगे नहीं आपसे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या बोलते हैं इसको, अनअर्नड इनकम, तो ये तो वैसी करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी में कहां पे आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, अरे इतनी टाइम बाद तो एक ऐसा आइटम आया जो आपने पहले भी सुना हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था ये तो ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड मतलब डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल मतलब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, अभी सबके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए पैसे, अभी सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो ड्यू टू वट एवर रीजन अकाउंट नंबर मिसमैच हो रहे हैं या कुछ भी है, डिविडेंड अनाउंस बट नॉट येट
क्रेडिटेड टू द शेयर होल्डर्स अकाउंट नॉट येट पेड, तो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है. अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड एक ही बात होती है. अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड और डिविडेंड पेएबल एक ही बात. क्लियर? कोई डाउट? एक्सेस एप्लीकेशन मनी इंपॉर्टेंट है ये. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट. तो तब आपको बताया था जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट है उसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक, इट इज सर्टन दैट शेयर्स विल बी अलॉटेड, तो वो शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर फंड के बाद आ जाएगा. शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट इफ इट इज सर्टन दैट शेयर्स विल बी अलॉटेड. इफ इट इज सर्टन दैट शेयर्स विल नॉट बी अलॉटेड तो पैसे वापस कर, तो पैसे वापस करने हैं. फिर वो करंट लायबिलिटीज में आएगा. किस में आएगा? करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज. कोई डाउट? अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट मतलब आपने मेरी कंपनी में एफडी करा रखी थी, पब्लिक डिपॉजिट्स करा रखे थे, आपने मुझे लोन दे रखा था, आपने मुझे लोन दे रखा था, तो पब्लिक डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स है, कुछ भी है, एक साल के लिए दिया था, हो गया एक साल, अब वो ड्यू है विद इंटरेस्ट, तो वो कहाँ आ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में. ठीक है, डिपॉजिट्स कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं रीपेबल विद इन वन मंथ, तो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में. एक है पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, कोई भी थी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उनका पीरियड खत्म हो चुका है. क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, पैसे नहीं दिए मैंने अभी, तो उनको बोलते हैं मैच्योर डिपॉजिट्स. क्या बोलते हैं उनको? मैच्योर डिपॉजिट्स. टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, अब भाई साहब इमीडिएटली पैसे दे दो इनको, और उनपे कुछ इंटरेस्ट ड्यू है तो वो भी साथ. तो अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स कहां पे आते हैं? करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में. ध्यान रखना है पब्लिक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आए थे, सिर्फ डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आए थे, मैच्योर डिपॉजिट्स अदर करेंट लाइबिलिटीज में आ रहे हैं. तो ये छोटी छोटी बातों का ही तो ध्यान रखना है. तो अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है, अब पेमेंट एक है एक साल के अंदर अंदर देना है, तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट होता है. एक होता है भाई साहब खत्म हो गए पांच साल दे दो अब, तो मैच्योर्ड मैच्योर डिबेंचर्स. कॉल्स इन एडवांस इंपॉर्टेंट है, बट वो शेयर कैपिटल में समझा दिया था कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक लौता आइटम है जो शेयर कैपिटल में नहीं आता, तो कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटीज में आता है, अदर करंट लायबिलिटीज. कोई डाउट? कह रहा और कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ईएसआई पेबल, पीएफ पेबल, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो इधर आ जाएंगे. कोई डाउट? इजी बट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको याद होना चाहिए इस ऑर्डर में नहीं, बट कौन सा आइटम कहाँ आता है वो याद होना चाहिए. तो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर आया ट्रेड पेबल्स, फिर अदर करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट नोन लायबिलिटीज, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एसर्टेन्ड विद एक्यूरेसी. If the liability is to be settled within 12 months, तो उसके लिए short term provision create करा जाता है. Provision for employee benefits, provision for expenses, provision for taxation, और कोई भी provision है current liability को meet करने के लिए. सर हमें कैसे पता चलेगा कि retirement से related है या नहीं? तो gratuity हो गया, pension हो गया, earned leave हो गया, कुछ बहुत देखो debatable चीजें आ सकती है, तो वो कर करके आपको पता चलेगा कि वो किस में दिखा रहे हैं. ग्रेच्युटी ऑलवेज लॉन्ग टर्म, पेंशन ऑलवेज लॉन्ग टर्म, बट लिखा है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अब खुद ही दे रहे ना, एग्जांपल दे रहे ना, तो अब लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा ना कि रिटायरमेंट से रिलेटेड कर रहा है, नॉर्मल भी तो हो सकता है, हम उनको ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं हर साल, तो ये कोई ये थोड़ा रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट तो कुछ भी हो सकता है, किसी को लीव एनकैशमेंट होती है, earned leave after retirement होती है, leave encashment एक मतलब similar चीजें ही हैं. कुछ companies क्या करती हैं कि आपको हर साल कुछ छुट्टियां देती हैं, अब आपकी मर्जी है, या तो छुट्टियां ले लो
या 1 साल के बाद उनके पैसे ले लेना। कुछ लोग होते ना कि हमारी अक्यूमुलेट हो रही हैं छुट्टियां। नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको बोला कि 1 साल में आप 25 हॉलीडेज ले सकते हो, या तो ले लेना, और अगर नहीं लोगे तो हम ना उसके बदले आपको पैसे दे देंगे। कुछ लोग होते हैं कि भैया नहीं जाना कहीं, अभी इस साल प्लान नहीं है, अगले साल प्लान होगा, अभी नहीं है, तो कंपनी कह रही है बहुत खुशी की बात है और काम करो, हम उसके बदले आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। तो दे देंगे तो प्रोविजन क्रिएट करके रखना पड़ेगा ना, इतना एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ सकती है। प्रोविजन क्यों? कह रहे हो सकता है वो छुट्टी लें, हो सकता है ना लें, तो आपको प्रोविजन क्रिएट करके चलना पड़ेगा। लाइबिलिटी कितनी अराइज होगी पता नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ये जो लीव एनकैशमेंट है ये शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म में भी मिलेगा। ग्रेच्युटी ऑलवेज लॉन्ग टर्म, पेंशन ऑलवेज लॉन्ग टर्म, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। अब जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैं, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसी साल का ही प्रोविजन होता है अक्यूमुलेटेड। प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ओके जी, प्रोविजन किसी भी चीज का हो सकता है वो उस साल के लिए। वारंटी क्लेम नहीं, वो उसमें था आपका, हाँ मतलब वारंटी के दोनों, मतलब वो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविजन है, वो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविजन है, ये कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैटेगराइज नहीं कर रहा, ये बस डिफरेंशिएट कर रहा है लाइबिलिटी और प्रोविजन में। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदर प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म नहीं है, सॉरी, प्रोविजन फॉर वारंटीज तो है ही नहीं शॉर्ट टर्म। ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोविजन के, वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। लाइबिलिटी जिसमें आपको अमाउंट एग्जैक्टली पता है कितने देने हैं, प्रोविजन अनोन लाइबिलिटी बट द अमाउंट इज नॉट एसरटेन विद एक्यूरेसी। तो बस ये वो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविजन है, नॉट नेसेसरली शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म, क्योंकि अक्यूमुलेट होता जा रहा है, उसमें सिर्फ 1 साल का फिगर नहीं है, शॉर्ट टर्म उस साल को रिप्रेजेंट करता है, बस उस साल को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेटेड फिगर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। क्लियर? एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इसी के साथ लाइबिलिटीज खत्म हुई।